कहाँ से आना हुआ है? मेरा छत्तीसगढ़ के जिला सूरजपुर से। फिट इंडिया एक अभियान को लेकर के 18,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल के द्वारा छत्तीसगढ़ से शुरुआत होती है और आज और अभी दिल्ली पहुंचती है ये यात्रा। सबसे पहला जो स्टिकर है वो फिट इंडिया का है, जिसमें मोदी जी का फोटो है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान को लेकर के इन्होंने अनुराग ठाकुर का भी एक फोटो लगाया है, राजीव कुमार रजवाड़े ने, अपने साइकिल यात्रा के साथ में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और ये दिल्ली, इतना सब राज्यों को कवर करते हुए ये यात्रा एक अकेले युवा की, नौजवान की दिल्ली पहुंचती है। तो खाने की व्यवस्था कैसे रही? देखिए, ये जो झंडा है ना, ये बहुत पावरफुल झंडा है पूरे देश में और पूरे विश्व में। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको तो पता ही होगा कि हिंदुस्तान के झंडे का सम्मान पूरा विश्व करता है। श्रीनगर पहुँचने से पहले डल झील के आसपास तीन स्कूली युवकों ने स्कूटी से जा रहे थे, तो मेरा झंडा चलाता हूँ तो पीछे उड़ता है वो, तो उन्होंने पकड़ के वो खींच दिया तो झंडा नीचे गिर गया और मेरे को दो थप्पड़ मार लेते, बर्दाश्त कर लेता, देश का अपमान क्यों कर रहे हैं। शुरू से ही उनके मन में जो कट्टरपंथी विचारधारा भर दिया जाता है शुरू से ही, आप तो जानते हैं, तो वही उनके दिमागों में भर दिया जाता है और वही इसका परिणाम है कि जो भारत देश के झंडे का वो अपमान करते हैं। यह स्थिति आपको इतने राज्यों में केवल जम्मू कश्मीर में देखने को मिली? हाँ, जम्मू कश्मीर में, बाकी किसी भी स्टेट में मुझे नहीं मिला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी कोई मांग इच्छा नहीं है, एक देशभक्ति के जज्बे से एक मिनट का मिलना है, फोटो हो जाए, एक अच्छा मैसेज चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ केशव मालान। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, लेकिन इस बीच जैसे ही कहीं तिरंगा हमें दिखाई देता है तो हमें लगता है कि हर घर तिरंगा का सपना शायद साकार होने वाला है और उत्साह के साथ में साकार होने वाला है। लेकिन अभी जैसे ही हमें देखिए ये साइकिल पर, एक मिनट रुकिए भैया, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, जैसे ही हमें अभी पीछे साइकिल पर तिरंगा दिखाई दिया, आगे भी पीछे भी, और इस पर मोदी जी का फोटो है और आगे मुझे लग रहा है कई सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो ऐसे हमने इनको हाथ दिया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार रजवाड़े है। कहाँ से आना हुआ है? मेरा छत्तीसगढ़ के जिला सूरजपुर से। लेकिन आज दिल्ली की सड़कों पर क्यों? देखिए, भारत की आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें मैंने 18,000 किलोमीटर का यात्रा निकाला था 12 मार्च को जी, 12 मार्च 2022 में, तो आज मैं यहाँ दिल्ली पहुँचा हूँ आज के तारीख में। उतना जी जी, क्या अभी अभी तुरंत दिल्ली में प्रवेश हुआ? हाँ जी जी। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि इत्तेफाक से ही सही, लेकिन हमारी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है जो कि 18,000 किलोमीटर की, देखिए पीछे, देखिए पीछे जो इनके बोर्ड लगा हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिस पर सबसे ऊपर सत्यमेव जयते और वह शेर का जो चिन्ह है उसके साथ में दो तिरंगा, दो बड़े तिरंगा अगल बगल में लगे हुए हैं, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, फिट इंडिया एक अभियान को लेकर के 18,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल के द्वारा छत्तीसगढ़ से शुरुआत होती है और आज और अभी दिल्ली पहुंचती है ये यात्रा। एक साहस देखिए, एक शक्ति देखिए, इच्छा शक्ति देखिए। एक युवा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 27 27 है। फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के आप निकले हैं? जी बिल्कुल निकला हूँ, एक मन में था बिना गियर वाली साइकिल है और बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि सब बोलते थे बिना गियर वाली साइकिल में तो इम्पॉसिबल है, तो मैं बोला कि नहीं, इसी में मैं करके दिखाऊंगा। चलिए, मुझे लग रहा है कि इनसे हम बाद में डिटेल में बात करें, उससे पहले जितना हमें दिखाई दे रहा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर आपके किसी की भी नज़र जाएगी आपको तिरंगा दिखाई देंगे, जो कि दो छोटे और दो बड़े तिरंगे हैं, उसके बाद में आपको इस पोस्टर पर मोदी जी की तस्वीर दिखाई देगी और फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत के बाद में फिट इंडिया का एक इन्होंने यहाँ पर दिया है 18,000 किलोमीटर की यात्रा आज़ादी के, यानी कि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत की इच्छा शक्ति लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। साइकिल, ये साइकिल यात्रा है। देखिए, ये भारत का पूरा नक्शा इसमें बना हुआ है। राजीव कुमार रजवाड़े इनका नाम है, जिनकी यात्रा 12 मार्च से प्रारंभ होती है, लेकिन प्रारंभ सूरजपुर छत्तीसगढ़ से जो शुरू होकर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और ये दिल्ली, इतना सब राज्यों को कवर करते हुए ये यात्रा एक अकेले युवा की, नौजवान की दिल्ली पहुंचती है। इस मन में, क्योंकि अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जब मोदी जी ने कहा कि हमें हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए, इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो मुझे लग रहा है हर घर तिरंगा से इससे बड़ा मुझे लग रहा है कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि दिल में तिरंगा,
साइकिल पे तिरंगा और एक तिरंगे की शान सबसे ऊपर लगा करके छत्तीसगढ़ से एक युवा दिल्ली पहुंच जाता है। आगे दो तिरंगे लगे हुए हैं, झंडियां लगी हुई हैं। ये साइकिल है, बिना गियर वाली साइकिल है जैसा कि इन्होंने बताया है, और साइकिल की भी हालत ज़्यादा हमें अच्छी नहीं लग रही है। और अगर इन स्टिकर की बात करें, देखिए आगे आइए, देखिए इन्होंने इस पर तिरंगे झंडे के साथ में कुछ स्टिकर लगाए गए हैं, जिसमें आज़ादी का महोत्सव के साथ में सबसे पहला जो स्टिकर है वो फिट इंडिया का है, जिसमें मोदी जी का फोटो है, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान को लेकर के इन्होंने अनुराग ठाकुर का भी एक फोटो लगाया है, राजीव कुमार रजवाड़े ने अपने साइकिल यात्रा के साथ में। अगर उससे नीचे करें, करो योग रहो निरोगी, नारा बहुत पहले दिया था, यही नारे के साथ में दूसरा स्टिकर है, और फ्रीडम रन यानी कि दौड़ लगाना, फिट इंडिया, या दौड़ेगा इंडिया तभी फिट होगा इंडिया, ऐसा करके इन्होंने हम फिट तो इंडिया हिट, नीचे देखिए चौथा जो इनका स्लोगन है, हम फिट तो इंडिया हिट, यानी कि खेलो कूदो, फिटनेस का दोष आधा आधा घंटा रोज, फिटनेस का क्या है ये है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, देखिए लास्ट में है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, यानी कि साइकिलिंग करिए, साइकिल ही आपने फिट इंडिया का मूल मंत्र माना है। नहीं, साइकिल ही फिट इंडिया का मूल मंत्र नहीं है, बहुत सारे माध्यम है, आप कोई भी चीज़ करिए, साइकिलिंग हो, योगा हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, लेकिन आधा घंटा अगर आप निजी करते हैं जी, तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो जी। यात्रा, ये यात्रा करने का मन में विचार कैसे आया और क्यों आया? देखिए जब इतना बड़ा पर्व चल रहा है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, तो सभी युवाओं में एक जोश और उमंग की भावना रहता है कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकता है। मैंने जो मेरा देश के प्रति भाव था, फिट इंडिया को लेकर जो मेरे विचार थे, मैंने साइकिल यात्रा के माध्यम से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक देशभक्ति की भावना का संचार करने का मैंने प्रयास किया है। क्या रास्ते में किस तरह की कठिनाई आपको आई जब आपने साइकिल से सफ़र किया, क्योंकि समय का परिवर्तन समय समय पर रहा होगा, और किस तरह की समस्याएं आपको आई रास्ते में? बिल्कुल, रास्ते में चुनौतियां बहुत थी। जब मैं 12 मार्च को निकल रहा था तो सहमति घर से ही मतलब प्रॉब्लम था थोड़ा सा, पापा ने मना कर दिया था कि इतना लंबा यात्रा पॉसिबल नहीं है प्लस इस साइकिल पर, तो मैंने बोला कि नहीं मैं जाऊँगा। प्लस चुनौती भी ये था कि खाना पीना रहना इतना दिन का कैसे करना है अकेला व्यक्ति, और जैसे मैं पहाड़ी एरिया में पहुंचा उत्तराखंड हिमाचल में, तो पहाड़ी एरिया में इस साइकिल पे थोड़ा दिक्कत था, तो मैं साइकिल को भी अपने आप साथ चलाता था। लद्दाख में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आया, वहाँ ऑक्सीजन प्रॉब्लम, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में तो पूछिए ही मत वहाँ की स्थिति, तो आर्मी के वजह से मैं समस्त आर्मी वालों का, जितने हमारे देश के जवान हैं जो वहाँ तैनात हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्हीं के बदौलत मैं ये झंडा जो लगा के आ पाया, नहीं तो वहाँ तो क्या ही बताऊँ मैं। क्या बताइए, जरा एग्जांपल बताइए, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? श्रीनगर पहुँचने से पहले डल झील के आसपास तीन स्कूली युवकों ने स्कूटी से जा रहे थे, तो मेरा झंडा चलाता हूँ तो पीछे उड़ता है वो, तो उन्होंने पकड़ के वो खींच दिया, तो झंडा नीचे गिर गया जी। तो फिर वो आगे बढ़ गए, फिर वो आगे बढ़ गए, फिर मैं आर्मी वाले को बताया मैंने, तो आर्मी वाले ने फिर मैं बोला कि आगे वो लड़का देख रहा था खड़े होकर, फिर मैं बोला सर मुझे डाउट हो रहा है कि वही लड़का है, अगर वो होगा तो मैं आपको इशारा करूँगा आगे जा रहा हूँ, आप रुकवाइएगा। जैसे ही आगे गया तो वो लड़का मेरे से माफ़ी मांगने लगा, बोला कि माफ़ कर दो भैया, मैंने नहीं किया, मेरे दोस्तों ने किया। मैं बोला जो किया उसको बुलाओ, और मेरे को दो थप्पड़ मार लेते बर्दाश्त कर लेता, देश का अपमान क्यों कर रहे हैं। तो फिर मैं पीछे पीछे फिर आ गया, आर्मी वाले से मिला तो भी वो भी पीछे आ गया, फिर आर्मी वालों ने सबक सिखाया उनको, इतनी कम उम्र में बताओ देशभक्ति का जहाँ भावना होना चाहिए उनमें थोड़ा भी नहीं था। तो ये ऐसा उन्होंने क्या कहा, आखिर इस तिरंगे को देख करके क्या उनकी पीड़ा थी, उनकी जलन क्या थी? शुरू से ही उनके मन में जो कट्टरपंथी विचारधारा भर दिया जाता है शुरू से ही, आप तो जानते हैं जी। तो वही उनके दिमागों में भर दिया जाता है, और वही इसका परिणाम है कि जो भारत देश के झंडे का हो अपमान करते हैं। यह स्थिति आपको इतने राज्यों में केवल जम्मू कश्मीर में देखने को मिली? हाँ, जम्मू कश्मीर में, बाकी किसी भी स्टेट में मुझे नहीं मिला, किसी भी स्टेट में। हालांकि लोग मजाक बनाते थे, कोई कुछ बोलता था, लेकिन इस तरीके का झंडे का अपमान कोई नहीं किया। ऐसा भी कहीं मौका मिला कि जब किसी ने इस तिरंगे को देख करके आपको सैल्यूट किया हो, सलाम किया हो? हजारों लोग। अगर कहीं, अगर मैं मोदी जी से अगर मिलता हूँ कहीं भी, अगर कहीं फोटो वायरल होती है तो हर इंडिया में मैं दिखूँगा आपको जी। इतने लोग मेरे को रास्ते में मिले, सेल्फी लिए, फोटो लिए हैं, सैल्यूट किया, फोटो लिए, सेल्फी लिए, सैल्यूट भी किए तिरंगे को देख कर। बहुत लोग मिले, बहुत मिले, बहुत। एक पीड़ा हुई कि जब जम्मू कश्मीर, जहां धारा 370 हटाने के बावजूद भी अगर ऐसे हालात हैं, तो मन में पीड़ा हुई? बिल्कुल पीड़ा हुई। अब देश का झंडे का अपमान करना सरासर देश का अपमान करना है, और मैं तो कहता हूं कि उनको जो स्कूली में शिक्षा दी जाती है वो देशभक्ति का भी एक चैप्टर हो,
जो देश के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन पता नहीं उनको कहाँ से क्या शिक्षा दिया जाता है। आप सोचो कि 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले छात्र वो झंडे का अपमान कर रहे हैं, या तो वहाँ राष्ट्रगान नहीं गाया जाता होता होगा, या तो उनको हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया जाता होगा, नहीं तो या तो उनको दूसरे जगह की तालीम दी जाती होगी। लगता है कि जो हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया है, इसका असर और सबसे सकारात्मक असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ये तो बहुत टफ है जम्मू कश्मीर के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी। ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, वहाँ लोग तिरंगा तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, बोल नहीं सकता, मतलब तिरंगा लगाना पसंद नहीं करते उधर के लोग। लेकिन आज लाल चौक में तिरंगा फहरा रहा है। लाल चौक में तो ठीक है, लेकिन घरों की बात कह रहा हूँ मैं। हर घर तिरंगा बोला ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो हर घर तिरंगा मुश्किल ही है मुझे लगता है वहाँ के लिए, बाकी जगह के लिए तो मैं बोल सकता हूँ। अगर और इसके अलावा किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? जाहिर सी बात है धूप थी बहुत ज़्यादा, जब मैं 12 मार्च को निकला था तब थी धूप, खाने की भी कहीं कहीं समस्याएँ आती थी, लेकिन इतना मैंने अपने जीवन में इस यात्रा में मैंने देखा कि अगर आप अपने आप को किसी कार्य के प्रति पूरी निष्ठा से अगर समर्पित कर देते हो तो भगवान के भगवान भी आपके साथ रहता है। तो कहीं ना कहीं किसी भगवान के रूप में ही कोई व्यक्ति मेरे साथ मदद करने के लिए आ जाता था। सवेरे जब मैं निकलता था तो शाम को रुकने का कोई ठिकाना नहीं रहता था, फिर भी पता नहीं कैसे कैसे व्यवस्था हो ही जाता था। सुबह से शाम तक की दिनचर्या आपकी कैसी रहती थी? सवेरे मैं निकलता था 5-5:30 बजे निकल जाता था, रनिंग करता था 50-60 किलोमीटर, रनिंग करने के बाद कहीं देख के नाश्ता वास्ता कर लिए 11-11:30 बजे, 11:30 बजे तक मैं 50-60 किलोमीटर कर लेता था, 60 किलोमीटर ऊपर भी हो जाता था। फिर खाने के बाद और चलाता था साइकिल, उसके बाद 2 या 3 बजे तो भोजन करता था, भोजन करने के बाद डायरेक्ट शाम को जहाँ रुकता था फिर वहाँ भोजन करता था। लेकिन ये सब रुकने की व्यवस्था आपने होटल में रखी या किसी के घर में या जानने वालों के यहाँ, ये रुकने की और खाने की व्यवस्था कैसे रही? देखिए ये जो झंडा है ना, ये बहुत पावरफुल झंडा है पूरे देश में और पूरे विश्व में। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको तो पता ही होगा कि हिंदुस्तान के झंडे का सम्मान पूरा विश्व करता है जी। तो जाहिर सी बात है आज भी देशभक्तों की कमी नहीं है पूरे इंडिया में, तो वैसे ही देशभक्त मुझे जगह जगह मिले जिन्होंने खाने रुकने की व्यवस्था करी इस झंडे को देख करके। हाँ, मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं लोग जी, बहुत करते हैं। हाँ, और किस तरह का कोई ऐसा अनुभव रहा हो जिसके मन में आपने डर पैदा हुआ हो या फिर फक्र हुआ हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बताना चाहेंगे? किस टाइप बीच में इतनी लंबी यात्रा में कुछ दुखद और सुखद कोई घटना का जिक्र करना चाहेंगे किसी भी उसमें? देखिए मेरे पास तो बीच में फंसा था, मैं पंचर भी हो गया था, ऐसा जगह जहाँ कुछ था नहीं, कुछ बनाने के लिए मेरे पास था भी नहीं। तो वहाँ 4 बजे की बात है, एक अंकल साइकिलिंग कर रहे थे तो उनके पास छोटा वाला पंप था, उन्होंने मुझे ये महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ मैं, तो उन्होंने पंप से मेरा हवा भी भरा, हवा भरने के बाद मुझे लड्डू भी खिलाया, महाराष्ट्र का बहुत फेमस लड्डू था वो, और मुझे आर्थिक सहयोग भी किया उन्होंने। ये 4 बजे की बात है और जस्ट मैं निकला उसी टाइम, और पता नहीं कैसे सहयोग से वो हमारी मुलाकात हो गई, नहीं तो 4 बजे कौन मिलता है। उसके बाद महाराष्ट्र की ही बात है, जब मैं जा रहा था मेरे पास उस दिन खाने के लिए पैसे तक नहीं थे, तो जब मैं चढ़ाई चढ़ रहा था गोवा जाने के लिए तो खाने के लिए नहीं था और मन में मना रहा था कि अब क्या किया जाए, तो दिल से आवाज़ दिया, भगवान को याद किया मैंने, तो एक बच्चा मेरे पास आके मेरे को पानी भी पिलाया उस बच्चे ने। फिर मैं जब 1 किलोमीटर आगे चल गया तो बाइक से आया और मेरे लिए टिफ़िन में खाना लेकर आया था वही बच्चा। हाँ वही बच्चा, अब सोच लीजिए मतलब अंदर से कनेक्ट कैसे दिल से जुड़ा भगवान का, और वो बच्चा खाना लेके आया और कहाँ से उसको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं इस यात्रा पे, तो बहुत यहाँ तक पहुँचा हूँ, बहुत संघर्ष करके मैं पहुँचा हूँ। आज दिल्ली क्या उम्मीद लेकर के पहुँचे हैं, दिल्ली में क्या उम्मीद है आपको? बिल्कुल, देखिए सबका एक चाह होता है, जब कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है जब तक उसको संपूर्ण आकार नहीं दे देता तब उस बर्तन का कोई मोल नहीं रहता, उसको कोई खरीदता तक नहीं है। तो वैसे मैं भी इस उम्मीद से आया हूँ कि ये जो मेरी यात्रा है मैं भी इसको एक सकारात्मक ऐसा रूप दूँ जिससे लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाए। तो माननीय खेल मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी से मिलना की चाह है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, मेरी कोई मांग इच्छा नहीं है, एक देशभक्ति के जज्बे से 1 मिनट का मिलना है, फोटो हो जाए, एक अच्छा मैसेज चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी आपकी यात्रा सफल हो जाए। हाँ सफल हो जाएगी। बाकी बीच में उत्तर प्रदेश में योगी को लेकर भी कुछ विचार आया? योगी जी से मैं एकदम रूबरू सामने में था जब गोरखपुर में था, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन समारोह था, योगी जी और मैं आमने सामने ही थे,
मैंने नमस्ते भी करा उनको, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था तो मैं बात ही नहीं कर पाया वहाँ। उनसे भी इच्छा है मिलने की? बिल्कुल इच्छा है मिलने की, अब मुलाकात हो जाए तो क्यों नहीं मिलेंगे हमारे। चलिए, मुझे लग रहा है जिस तरह से हज़ारों लोगों ने राजीव भाई को सैल्यूट किया हो, तो हम भी आज खबर इंडिया की तरफ से आपको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि अच्छा लगा देख करके जो हमने देखा तिरंगा लेकर के और साइकिल पर आप फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के, फिट इंडिया के स्लोगन के 18,000 जहां लोग 1800 मीटर या 18 मीटर पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं और कहीं कहीं उसकी तलाश करते हैं रिक्शा की या टैक्सी की या गाड़ी की, अलग अलग सुविधाएं देखते हैं, वहां एक राजीव जैसे युवा, वो भी छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश से जहां नक्सलियों का एक बोलबाला रहता है, आए दिन घटनाएं होती हैं, वहां से 18,000 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा करके दिल्ली इसलिए पहुँचते हैं कि मेरी देश की आन बान शान तिरंगा तो है ही, लेकिन इसका मस्तक इसका सर तभी ऊँचा रहेगा जब हर व्यक्ति हर युवा फिट रहेगा, हिट रहेगा। क्योंकि लास्ट का स्लोगन आप देखिए, फिट का केवल एक ही वो है कि आधा घंटा रोज, फिट का डोज आधा घंटा रोज, यानी कि साइकिल चलाइए, साइकिलिंग करिए, और यही इनका मूवमेंट, यही इनका आज का मैसेज है। तो खबर इंडिया की तरफ से आप भी देखिए, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की यात्रा के लिए, कि आप जो उम्मीद लेकर के आए हैं वो आपकी सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया।